नमस्कार, एक फिर से स्वागत है आपको टुडेज के हमारे न्यूज कार्यक्रम में। मैं कुमार अभिषेक फिर से हाजिर हूँ हर रोज की तरह पंजाब राज्य के बीच बड़ी खबरों को लेकर के। शहीदी पर्व की तारीखों पर SGPC और PSGPC के बीच फिर विवाद और मतभेद होने की संभावना। रजिया सुल्तान और पूर्व सीएम भट्टल के बूथ पर मतदान बढ़ा, सिंगला के बूथ पर घटा। हरियाणा पंजाब के समृद्ध किसानों को क्यों दी जाए मुफ्त बिजली, कहा हाईकोर्ट ने। कांग्रेस ने कहा सिद्धू पर लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कार्रवाई होगी। पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के स्टेनो ने लगाया फंदा, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, रेलवे ट्रैक पर फेंका शव। हिरासत में मरे युवक का शव ठिकाने लगाने के बाद इंस्पेक्टर ने खुद को मारी गोली। भगवंत ने वोटिंग का फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करके थैंक्स लिखा, DC ने कहा कार्रवाई होगी। सिद्धू कैबिनेट के हर फैसले में हिस्सेदार रहे, इससे सहमत नहीं तो इस्तीफा सौंप दे, कहा अरोरा ने। अमृतसर में बूथ नंबर 123 पर दोबारा हो रहा मतदान, वोटरों को दिया जा रहा सर्टिफिकेट। प्रकाश सिंह बादल बोले राहुल गांधी के पास तजुर्बा नहीं, भारी बहुमत से आएगी मोदी सरकार। पाकिस्तान के वाघा रेलवे स्टेशन पर समझौता एक्सप्रेसवे से 8 किलो हीरोइन बरामद। लुधियाना में खुलेआम जलाए जा रहे गेहूं के अवशेष, प्रदेश सरकार ने भी नहीं लगाई रोक। नवजोत सिंह सिद्धू के बयान से साफ, कैप्टन बादल मिले हुए हैं, सुखपाल सिंह खैरा ने कहा। हिरासत में युवक के जान देने के बाद तनाव में था इंस्पेक्टर, खुदकुशी मामले में नया खुलासा। NDA की डिनर डिप्लोमेसी, 36 दलों के नेताओं में प्रधानमंत्री मोदी पर जताया भरोसा। पंजाब की लड़ाई पहुंची दिल्ली, राहुल गांधी को भेजा गया सिद्धू संपत्ति का शिकायती वीडियो। चलती ट्रेन से नवजात बच्ची को जन्म देकर के लापता हुई माँ। जब कामकाज में निष्पक्ष नहीं हो तो निष्पक्ष चुनाव कैसे कराएगा आयोग, कहा कांग्रेस ने। रिसा T2B का सफल प्रक्षेपण, सुरक्षा बलों आपदा एजेंसियों को मिलेगी मदद। तो ये थी पंजाब से जुड़ी हुई कुछ अन्य खबरें। हम कल फिर से हाजिर होंगे कुछ अलग न्यूज़ को लेकर के हर रोज की तरह। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहो टुडेज न्यूज़ चैनल, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देखना तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।